हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे इफ, इलिफ और एल्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये आपका आज का कंडीशनल स्टेटमेंट का ये कंडीशन आज हम जानेंगे। तो ये कंडीशंस जानने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हुए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के जो क्लास नंबर 11, 12, 13 है उसको आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं आज की नोट्स। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक आपका है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि इफ़ इलिफ एल्स स्टेटमेंट में अगर इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर इफ ब्लॉक का कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर इलिफ एल इफ ब्लॉक का चेक होगा, एल इल इफ ट्रू होने पर इल इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर इफ और इल इफ दोनों फॉल्स होंगे तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये अगर आपकी कंडीशंस हैं, अगर आप सिंटेक्स यहाँ पे देखें तो ये सिंटेक्स दिया गया है। सबसे पहले इफ कंडीशन चेक की जाएगी। अब इफ कंडीशन अगर आपकी ट्रू पाई जाएगी तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कंडीशन चेक किया जाएगा, अर्थात ये स्टेटमेंट आपका चलेगा और इसकी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर इसकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू पाई जाती है तो इसका जो ये वाला ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होती हैं तब जाकर के आपका थर्ड वाला जो स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका इस तरीके से सिंटेक्स से यूज करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखें तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सिंपल रखा हुआ है कि ए बराबर 2 मैंने दिया है और बी बराबर 2 भी दिया है। अब यहाँ पे हम इसको इसी मेथड से क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको लाइव हम अपने आइडियली पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोनी नाम का जो हमारा एप्लीकेशन है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोनी को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए बराबर 2 और बी बराबर 2। अब आपको कंडीशन चेक करनी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से क्या हो, बड़ा हो तो क्या प्रिंट करे। तो यहाँ पे आपको मैसेज देना है कि यहाँ पे अगर हम देख लें क्वेश्चंस में तो कहा गया कि ए इज लेस देन बी, तो ये उल्टा आपका दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे एल इफ। अब तो ये जो एल इफ है आपका, ये भी कंडीशन चेक करेगा। तो ए और बी हो गया। अब हम फिर से एक कंडीशन दूसरी जो लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे ग्रेटर देन तो हो ही गया है, लेस देन भी लगाएंगे। अगर ए छोटा होगा तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे कंडीशन लगाने के बाद इसको प्रिंट करवाएंगे कि ए इज लेस देन बी, ये क्या होगा, बी से छोटा होगा। इसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन आपकी क्या होंगी, ट्रू नहीं होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट फिर से लगाया। अब यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे कि बोथ नंबर इज इक्वल, अर्थात अगर पहला दूसरे से बड़े नहीं है तो दूसरा पहला से बड़ा नहीं है तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने प्रोग्राम्स बना लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने रन करवाया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैसेज दे दिया कि बोथ नंबर इज इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रोग्राम्स को चेक कर, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया था। तो स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड, अर्थात जो हमने आज पढ़ा हुआ है इफ एल इफ एल्स के बारे में, इसमें हम लोग जो है लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को इसी मेथड से आपको क्या करने हैं। तो यहाँ पे आज जो है मैं इस सीरीज में, इस वीडियो में, इस क्लास में जो है आपका ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो को। तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हमको चेक करना है मैसेज के माध्यम से। तो हम चाहते हैं यहाँ से क्या करें, यूजर से इनपुट लिया जाए। तो हमने यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल बना लिया
और इंट लगा दिया। इंट में हम इनपुट दिए। अब यहाँ से यूजर से कह रहे हैं कि इंटर एनी नंबर, तो यूजर क्या करेगा, कोई नंबर यहाँ से इनपुट करेगा। अब जब नंबर इनपुट हो जाएगा, अब नंबर को चेक किया जाएगा कि अगर नंबर आपका 0 से बड़ा होता है तो फिर क्या होगा। तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, तो इस तरीके का मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एल इफ, अब नंबर इज लेस देन 0 अगर हो, अर्थात अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, हो सकता है वो नंबर 0 से छोटा हो, तो इसके लिए हमने फिर से कंडीशन लगाई कि नंबर इज निगेटिव। तो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया नंबर इज निगेटिव। इसके बाद अगर ये दोनों सही नहीं है तो क्या होंगे, हो सकता है नंबर आपका क्या हो, 0 हो, तो फिर से मैंने मैसेज दिया कि नंबर इज 0। तो ये हमारा क्वेश्चंस का बन गया है, जो भी हमने क्वेश्चंस अभी देखा हुआ था इसका आंसर। अब इसको हम रन करवाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर रन करवाया तो नीचे देखिए क्या मैसेज आ रहा है कि इंटर एनी नंबर, तो मैंने दिया 15, तो देखिए क्या कह रहा है कि नंबर इज पॉजिटिव। उसी तरीके से फिर से अगर हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए मैंने इस बार माइनस दिया 19, तो क्या कह रहा है कि नंबर इज निगेटिव। इस बार फिर से एक बार रन करवाते हैं और मैंने दिया 0, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि नंबर इज 0। तो इस तरीके से तीन अलग अलग कंडीशंस को मैंने यहाँ पे लगा करके आपको दिखा दी है कि अगर वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, 0 होगा। और तीनों को मैंने वन बाई वन करके यहाँ पे रन भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देखे हैं ऊपर एग्जाम्पल में, सेम वही कंडीशन आपको लगानी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेकर के इस पे काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से फिर से चलते हैं अपने आइडियली पे और इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हटा करके एक नया प्रोग्राम्स बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर हमको चेक करना है कि वह ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो दो नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो नंबर अगर हम दो यहाँ पे लेते हैं तो हमने एक लिया num1 और इसमें इंट लगा करके इनपुट ले लिया यूजर से। अब मैसेज दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहला नंबर यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर हमने ले लिया इंट, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। तो जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट होगी वो अपना फर्स्ट और सेकेंड नंबर इंटर करेगा। इंटर करने के पश्चात आपको इसमें क्या करना है, अब कंडीशन चेक करनी है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई num1 इज ग्रेटर देन num2, कॉलन लगा देंगे और यहाँ से प्रिंट लगाएंगे। प्रिंट लगाने में आपको क्या करना है, यहाँ से आपने पहले को चेक किया हुआ है कि ये बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम पहला जो कंडीशन होगी हमारी उसको यहाँ पे ले लेंगे। तो हमने दिया num1 इज ग्रेटर, तो मैंने मैसेज क्या दिया कि num1 इज ग्रेटर, ठीक है ना। तो ये मैसेज हमारा हो चुका है। इसके बाद एल इफ, फिर से एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ से मैंने दिया कि num1 इज लेस देन num2, अगर जो है num1 क्या होगा, num2 से छोटा होगा तो फिर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे num2 हो जाएगा, यहाँ पे num1 जो हुआ उसकी जगह पे num2 कर देंगे। अब आपका जो मैसेज होगा वो मैंने दिया कि num1 इज स्मॉलर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद एक और अगर कंडीशन आपको देनी है, अगर ये दोनों नहीं होंगे, अगर छोटा बड़ा भी नहीं होगा तो क्या होगा, तो हो सकता है कि दोनों क्या हो, इक्वल हो, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा गया है। तो इस बार हम प्रिंट में लगा रहे हैं कि इक्वल, बोथ नंबर इज इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बोथ नंबर इज इक्वल, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवाएंगे सिंपल। अब मैंने यहाँ पे रन करवाया, पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर मैंने दिया 15, फिर कह रहा सेकेंड नंबर मैंने दिया 12, तो फिर क्या कह रहा है कि num1 इज ग्रेटर। फिर से हम इसको रन करवाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मैंने यहाँ पे दिया 15, फिर दिया 20, क्या बता रहा है कि num1 इज स्मॉलर। अब नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें या इसका अगला जो टाइप था इक्वल चेक करने का, तो मैंने दिया 15, दूसरे में भी दिया 15, क्या बता रहा है कि बोथ नंबर इज इक्वल। तो हमारी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यहाँ पे क्या हो गई है, सभी की सभी कंडीशंस सही हो गई, जिसका कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट का ग्रेड आपको प्रिंट करना है, परसेंटेज एक्सेप्ट फ्रॉम द यूजर। अब जो यूजर से आपको परसेंटेज एक्सेप्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, ग्रेड आपको दिखाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
चलेंगे अपने आइडियली में, और यहाँ पे हम जो है इसको हटा करके अब यहाँ पे परसेंटेज लेना है यूजर से, तो हम यहाँ पे परसेंट अर्थात PER नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे मैसेज देते हैं यूजर को इंटर परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने PER यस यहाँ से बना दिया है मैसेज। तो यहाँ पे हमारा आपका परसेंटेज जो होगा वो जो यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब कंडीशन हमको लगानी है कि इफ PER इज ग्रेटर देन, हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं 80, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कि ए ग्रेड, ठीक है। तो जो भी आपको जिस भी प्रकार का ग्रेड आपको देना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर हमने लगाया एल इफ, अब यहाँ पे मैंने दिया परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, ठीक है। अब की बार परसेंटेज अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से मैसेज दिया कि ये जो आपका ग्रेड होगा वो आपका ग्रेड यहाँ से मैं दे दे रहा हूँ बी ग्रेड, ठीक है। इस बार फिर से अगर आपको लगाना है कंडीशन तो आप एक बार और एलिफ लगा सकते हैं और फिर से कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 60, और फिर से प्रिंट करा लीजिए। और इस बार मैं करा रहा हूँ सी ग्रेड के लिए, अब बाकी अगर इससे कम आता है तो डी के लिए करा सकते हैं, या फिर अगर फेल भी दिखाना है तो फिर से एक बार इसी को लगा करके यहाँ से ग्रेटर देन 50 कर लेंगे या इक्वल भी 50 कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार प्रिंट लगाने के बाद आपको यहाँ से ग्रेड दे देना है डी ग्रेड। नेक्स्ट अगली बार क्या करना है, एल्स लगा देते हैं और इस एल्स में प्रिंट करवा लेते हैं फेल को भी, ठीक है ना, यप AIL। तो जो भी कंडीशन आपको लगानी है जितने पे भी लगानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चंस का जो आउटपुट है वो बन चुका है, आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको रन करवाना है। अब यहाँ पे हमने रन करवाया, जैसे मैंने दिया 67 तो हमको बता रहा है कि सी ग्रेड। फिर हमने इसको क्या किया, फिर से एक बार रन करवाया, तो इस बार देखिए हम यहाँ पे जो नंबर दिया गया है मैंने दिया यहाँ पे 80, तो क्या बता रहा है आपका ये परसेंटेज बी ग्रेड। तो इस तरीके से आप जो है परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं स्टूडेंट से लेकर के। तो स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो में तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम यूजर्स। तो बाकी और जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो में इन्हीं तीन क्वेश्चंस को क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस से ही रिलेटेड हैं। अगर आपने प्रीवियस की वीडियो देखी हुई है उसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हुए थे उसी से रिलेटेड है। तो आप एक बार इसको प्रयास करिएगा बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अगली क्लास में इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी लेना तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप ओ लेवल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट्स वगैरह जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशन को भी ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।